सो हे गाइस, कैसा आप सब। मैं हूं लॉर्डन, आप देख रहे हैं लॉर्डन गेमिंग का। स्वागत है आप सभी का हमारा और एक नए माइनक्राफ्ट के वीडियो में। सो गाइस, बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। क्यों गाइस, अगर आपको लग रहा होगा कि मैं इतने दिनों के बाद क्यों बना रहा हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं अपने यूट्यूब का पासवर्ड भूल गया था। जी हाँ गाइज, बुरा लगता है भाई जब तुम अपना यूट्यूब का पासवर्ड भूल जाओ। लेकिन एनी वेज मैं टोटका वोटका लगा के यूट्यूब का पासवर्ड मुझे याद आ गया और फाइनली यूट्यूब चैनल मेरा बैक आ चुका है। सो गाइज, आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं कुछ एपिक माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक्स। सो गाइज, अगर आपको पता नहीं ये होता क्या है, सो बेसिकली ये टाइम वेस्ट करने के लिए कुछ हैक्स होते हैं जो सर्वाइवल वर्ल्ड में जिनके कोई काम नहीं होता। गजब बेइज्जती है। लेकिन आज मैं उससे अलग एक ऐसा हैक आपको दिखाऊंगा, एक नहीं मैं कुछ दिखाऊंगा आपको हैक्स जो कि आप सर्वाइवल वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं और भाई एज अ डेकोरेशन या फिर आपको काम भी आ सकता है वो, और बहुत एपिक एपिक हैक्स है गाइस। तो इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को अभी से अभी लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और चलो पहले हैक की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, पहला हैक बहुत ज़्यादा एपिक है, और भाई पहला हैक शुरू करने से पहले ही यहाँ पे रात हो गई। क्या यार, इतनी जल्दी रात कैसे हो जाती है। अच्छा, मैं तो यहाँ पे बहुत टाइम से हूँ। सो गाइस, यहाँ पे फिर से हो चुकी है सुबह। अपनू अप्पू ने अरे कहना क्या चाहते हो, उन्हें यहाँ पे भगवान है। और गाइस, यहाँ पे हम लोग पहला हैक चलिए ट्राई करने वाले। सो गाइस, पहला हैक बहुत ज़्यादा एपिक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको लगेगा स्लाइम ब्लॉक, और यहाँ पे पिस्टन, स्टिकी पिस्टन चाहिए, और यहाँ पे रेडस्टोन चाहिए। बहुत ईजी है यहाँ पे सब कुछ पाना। तो क्या करना है यहाँ पे, चलिए मैं आपको हैक दिखा देता हूँ। तो पहले तो आपको एक रेडस्टोन यहाँ पे रिपीटर बना देना है। तो अगर आपको रेडस्टोन रिपीटर या क्लॉक नहीं पता कैसे बनता है, तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे रिपीटर प्लेस करने हैं, यहाँ पे 2, और ये तोड़ देना है आपको। यहाँ पे प्लेस करना है आपको रेडस्टोन, और यहाँ पे फिर से तोड़ के यहाँ पे भी रेडस्टोन दे देना है, और यहाँ पे आपको रेडस्टोन टॉर्च देना है। तो ये बन गया आपका एक रेडस्टोन क्लॉक। तो देख सकते हैं ये रेडस्टोन क्लॉक तो हम लोग का रेडी है। अब हमें क्या करना है कि इससे कनेक्टेड एक हम लोग को लेके जाना है इसको रेडस्टोन को, और यहाँ पे हम लोग को प्लेस करना है रेडस्टोन रिपीटर, और इसको 2 टिक में दे देना है। फिर से एक रेडस्टोन प्लेस करना है, और यहाँ पे एक पिस्टन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है पिस्टन एक्टिवेट हो चुका है। अभी इसको हम लोग बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को लगेगा स्लाइम ब्लॉक, और ऐसे करके हम लोग लगा सकते हैं। आपको जितना मर्जी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, मैं अभी कुछ लगा देता हूँ। और इसके ऊपर आपको ऐसे करके एरो मारने हैं, कोई भी ये वाला पोर्शन वाला एरो मारिएगा, या फिर कोई भी जो कि अच्छा लगे दिखने में। तो आपका सो गाइज, ये तो हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब हमें क्या करना है कि इसको चलिए एक्टिवेट कर देना। और बूम गाइज, जब भी हम लोग इसको एक्टिवेट करेंगे तो आप देखिए वो भाई क्या खूबसूरत लग रहा है। और इसको अगर आपको और ज़्यादा अच्छा बनाना है, तो जब ये एक्टिवेट हो चुका होगा तब आपको एरो शूट करने इसके ऊपर। तो ये क्या होगा कि डबल लेयर का हो जाएगा, और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ और एरो शूट करके कि क्या होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा इफेक्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बस इसका एक माइनस पॉइंट है जो कि है ये मतलब इन्फिनाइट नहीं है, ये कुछ देरी के बाद जब एरोस का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। हर टाइम के लिए नहीं रहेगा ये, थोड़ा देर के बाद ख़त्म हो जाएगा एरोस का इफेक्ट। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप इसको अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे रेट करना चाहूँगा 10 out of 8, क्योंकि इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, नहीं तो भाई ये एपिक है बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम लोग अपने दूसरे हैक की तरफ बढ़ते, ये तो बहुत अच्छा था। माइनक्राफ्ट हैक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है पहले की तरह। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि दूसरे माइनक्राफ्ट हैक में आपको एक मिलेगा टीवी। जी हाँ गाइस, माइनक्राफ्ट के अंदर एक टीवी मिल जाएगा आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है बनाना। तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छा जगह लग रहा भाई, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इजी है भाई, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ क्या करना है। मैं यहाँ पे सारे ब्लॉक्स ले लेता हूँ। यहाँ पे एक ब्लॉक रखना है आपको, और यहाँ पे चाहिए आपको एक क्या बोलते हैं इसे पावर रेल, फिर यहाँ पे रखना है, फिर एक डिटेक्टर रेल रखना है, और एक पावर रेल, फिर एक डिटेक्टर रेल, अरे यार ये क्या डिटेक्टर रेल है, फिर एक पावर रेल, और यहाँ पे और एक पावर रेल रख देना है। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको आर्मर स्टैंड रखना है। तो यहाँ पे एक आर्मर स्टैंड रखना है डिटेक्टर रेल के ऊपर, और फिर यहाँ पे डिटेक्टर रेल के ऊपर, और यहाँ पे स्टीव कार्ड लगा देना है, या फिर आप जो भी लगा सकते हैं, या फिर हेड नहीं लगाना तो वो भी ठीक है। और मैं यहाँ पे जॉम्बी का हेड लगा देता हूँ, स्टीव वर्सेस जॉम्बी करवाएंगे टीवी में, मज़ा आएगा। और यहाँ पे आपको ये रेल तोड़ के यहाँ पे एक लगा देने हैं स्टेयर, और ये रेल तोड़ के भी एक लगा देने हैं स्टेयर। तो ये तो हो गया हम लोग का ऑलमोस्ट वर्क रेडी, मतलब जो रियल वर्क था वो तो हो चुका है हम लोग का। अब हमें क्या करना है कि इसको डायमंड सेट ऑफ आर्मर पहना देना है,
और अगर आप इतने अमीर नहीं है तो आप इसको लेदर भी पहना सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, कौन देख रहा है, आपको ही देखना है फाइनली। और इसको आपको क्या करना है कि आपको चाहिए एक माइंड कार्ड, तो यहाँ पे आपको एक माइंड कार्ड रखना है यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे एक माइंड कार्ड रखना है ऐसे करके। और अब जब मैं ये माइंड कार्ड को मतलब स्टार्ट करूँगा तो देखना क्या होगा। तो इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक बार, चल भाई आगे बढ़। और बूम गाइस ये स्टार्ट हो चुका है, और देखिए भाई इन दोनों का डांस क्या बढ़िया डांस कर रहे हैं ये दोनों, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको चाहिए कॉन्क्रीट, और जो ये वाइट कॉन्क्रीट होता है वो आपको चाहिए होगा, और चाहिए होगा आपको ग्लास, और ये जो ग्लास है आपको यहाँ पे रख देने हैं। और यहाँ पे कॉन्क्रीट जो है ये कॉन्क्रीट आपको काम लगेंगे। यहाँ पे आपको एक टीवी टाइप का बना देना है सेटअप, यहाँ पे चार ब्लॉक हाई बना देने हैं आपको, या फिर आप तीन ब्लॉक भी लगा सकते हैं यहाँ पे। 2000 years later। और गाइज ये हो गया आपका एक होममेड टीवी, ये देखिए गाइज। ओ या यार मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है, और ये ऐसा लग रहा है कि ये बू या ये ऐसे कर रहा है, मतलब ये तो अच्छा लग रहा है भाई। और अगर आपको दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको भी तोड़ सकते हैं ऐसे देखने के लिए अच्छे से, लेकिन भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और डायमंड सेट ऑफ आर्मर या फिर कुछ भी आर्मर पहना देने से और अच्छा लगने वाला है। तो भाई इसको मैं देना चाहूँगा 9 out of 10, क्योंकि बहुत अच्छा है। और सर्वाइवल वर्ल्ड में आप इसे बना सकते हैं क्योंकि ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप अपना आर्मर भी यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। और अगर आप कभी बोर हो जाए तो भले यहाँ पे आप बैठ के इजीली ये देख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी देखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसे, और ये यार यहाँ पे रखता नहीं है क्यों, अच्छा ठीक है। और मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ और इसको देखता हूँ। सो गाइज़ ये अभी हम लोग को करने का टाइम तो नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग को जाना पड़ेगा अपने थर्ड हैक के ऊपर। सो गाइज अपना थर्ड हैक भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जो कि एक ट्रैप टाइप का है। और अगर आपको अपने दोस्त को माइनक्राफ्ट में ट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तो ये हैक भाई आपके लिए है स्पेशली, क्योंकि ये ट्रोल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक डेजर्ट बायो में आ जाना है, और यहाँ पे आपको ऐसे 2x2 के एक ब्लॉक में तोड़ देने। देखिए क्या करना है कि आपको ऐसे करके सोल सैंड रखना है, और यहाँ पे आपको रख देना है वाटर बकेट, ऐसे करके प्लेस कर देने हैं। और जब तक इसमें बबल्स नहीं आते तब तक आपको वाटर बकेट प्लेस करते जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बबल्स आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अबे यार मतलब वीडियो आधा बनाए कि नहीं, यहाँ पे रात हो गया फिर से, तो चलिए सुबह कर देते हैं। और यहाँ पे आपको रख देना है ऐसे करके सैंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ये ऐसे करके जंप कर रहे हैं, तो ये तो किसी को भी पता चल जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे कि हम लोगों को ऐसे करके जब भी ये सैंड नीचे जाएगा तो हम लोग को कॉबवेब जो है यहाँ पे प्लेस कर देना है। सो गाइस फाइनली ये रुक चुका है, और ये जब भी नीचे जाएगा आपको ऐसे करके कॉबवेब जो है प्लेस कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा कि देख सकते हैं ये हो चुका है स्टिक। और अगर आपका दोस्त यहाँ पे आता है और अगर उसको ये थोड़ा स्पीड मतलब थोड़ा वियर्ड सा दिखता है तो ये पक्का जाएगा यहाँ पे, और जाने के बाद गाइस ये फंस जाएगा ट्रैप में। और देख सकते हैं मैं हिल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मैं हिल नहीं पा रहा। और यहाँ पे वो देखेगा बूम, यहाँ पे है एक ट्रैप, और वो आपको यहाँ से गाली देगा, वैसे वो तो कुछ नहीं है। तो ये हम लोग का ट्रैप था बहुत बढ़िया। ये अपना लास्ट टिकटॉक हैक है जो कि बहुत बढ़िया है गाइस। तो गाइस अगर आपको आयरन मैन क्या बनना है, आयरन मैन तो गाइस किसको नहीं बनना, मुझे खुद बनना है, लेकिन रियल लाइफ में तो हो नहीं सकता, लेकिन माइनक्राफ्ट में ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती है। तो आज हम लोग दिखाएंगे आपको कि कैसे आप आयरन मैन बन सकते हैं माइनक्राफ्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक ब्लॉक तोड़ना है, और डिस्पेंसर आपको चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, डिस्पेंसर आपको पता है लेना। और फिर आपको और एक डिस्पेंसर यहाँ पे प्लेस करना है इस डिस्पेंसर के ऊपर ऐसे करके, और इसके ऊपर एक ब्लॉक, इसके ऊपर एक ब्लॉक, फिर ये जो है यहाँ पे आपको एक डिस्पेंसर प्लेस करना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, मैं इसको करके दिखाता हूँ ऐसे करके आपको करना है। और इसको पहले तोड़ देता हूँ मैंने, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये हो गया हम लोग का रेडी, मतलब देखिए कितना इजी है। और इसमें आपको हेलमेट घुसाना है आप, अरे यार हेलमेट कहाँ चला गया, ओ आजा 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 आजा। इसमें आपको हेलमेट चाहिए, इसमें आपको चाहिए चेस्ट प्लेट, इसमें चाहिए लेगिंग्स, और इसमें आपको बूट्स देना है और पहले में देना है। तो ये तो हो गया हम लोग का सेटअप रेडी। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे एक रेडस्टोन प्लेस करना है, यहाँ पे ऐसे करके रेडस्टोन, और ऊपर में बटन। तो ये हो गया हम लोग का रेडी, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आयरन मैन बनके।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास बिल्कुल भी एक भी आर्मर नहीं है यहाँ पे। और मैं जब भी जाऊँगा यहाँ पे और इसको क्लिक करूँगा, टन 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 बूम गाइस, यहाँ पे मेरा फुल जो आर्मर है वो आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया था। आपने देखा क्या, मतलब ये आयरन मैन बना देगा आपको, जो आयरन मैन एक साथ पहन लेता हो वैसे ही, क्या बढ़िया। और इसको आप अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में भी बना सकते हैं, एकदम बेकार नहीं है गाइस, मतलब ये तो एकदम वर्थ इट है यार बनाना, इसको तो बनाना ही चाहिए। और मैं भी सोचा हूँ इसे बनाने के लिए, क्या बढ़िया चीज़ है भाई, मतलब ये आपको एक आयरन मैन का फीलिंग देता है, ये इतना जल्दी आपको आर्मर पहना देता है। कोई भी ज़ॉम्बी आया तो आपको दौड़ना है यहाँ पे ऐसे करके आना है, और यहाँ पे आयरन मैन जैसा पहन लेना है और ये पहना देगा आपको। सो गाइस ये तो बहुत बढ़िया था, और ये थे आज के हमारे कुछ माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक्स। और वीडियो गाइस छोटी है क्योंकि मुझे बुखार है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट किया था, और बड़ी वीडियोस मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, और जल्दी सर्वाइवल सीरीज़ की वीडियोज़ भी आ जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, नहीं भी पसंद आए फिर भी लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद नहीं है फिर भी सब्सक्राइब करो, और अगर पसंद है फिर भी करो, ज़बरदस्ती नहीं है गाइस लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। अरे तू जा रही। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कीजिएगा लाइक, अच्छा मैंने तो कह दिया है, तो होपफुली आप कर देंगे बाबा।